सारी मेरी गलती है, मैंने त्रिशा को फेसबुक से मैसेज किया था। Megan, मेरे अलावा ये बात किसी और को पता है? No, mom. Okay. किसी को कुछ नहीं बताओगी। Do you understand? Do you understand? But mom, cops already suspect us. अगर उन्हें पता चल गया ये मैंने किया है तो Okay. Relax, Megan. Relax. What have you got yourself into, Pache? किडनैपर का हो सकता है। जितनी देर हो सके उसे एंगेज रखें। हम कॉल ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अबे मैंने तुमसे कहा था कि पुलिस में खबर मत करना, लेकिन फिर भी तुमने होशियारी दिखाई। अब अंजाम भुगतो। तुम्हारी बेटी को ऐसे गायब करूंगा कि उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाओगे तुम। देखो देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता पुलिस वहां कैसे है। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया वहां पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कुछ नहीं पता पुलिस के बारे में। वो कहां है, कैसे है? पेनल्टी लगेगी, बात नहीं 10 करोड़। तेरी बेटी की कीमत 10 करोड़। कब और कहां मिलना है ये मैं बाद में बताऊंगा। और हाँ, अब की बार पुलिस साथ आई तो तेरी बेटी कभी साथ नहीं होगी, समझा? देखो तुम्हें 10 करोड़ चाहिए, मैं 10 करोड़ दूंगा, और चाहिए और दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात कराओ उससे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to her. मुझे बात करने दो। हेलो इतने कम समय में कॉल ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। क्या जरूरत थी आने की? मैंने कहा था आने को, मैंने बुलाया था तुम्हें क्या वहां पे? नहीं ना, तो फिर क्यों आए? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में है। मेरे पास होती आज हो यहाँ पे घर पे, अगर तुम माना आए होते। Do you dare think कि मैं इस बात को ऐसे जाने दूंगा? तुम्हारे हर सीनियर से तुम्हारी कंप्लेन ना की ना मैंने, तो तुम देखना। कंप्लेन कीजिए मिस्टर स्वाइका, प्लीज कॉल कीजिए और कहिए कि आपको किडनैपर का कॉल आया था और आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये न्यूज छुपा कर रखी और वो नालायक खुद ब खुद आपके पीछे चले आए। प्लीज कॉल कीजिए और कहिए और देखिए वो क्या कहते हैं। त्रिशा, कोई तो मेरे त्रिशा को बचाओ। मिसेस वाइका, त्रिशा को कुछ नहीं हुआ है, आप बेकार परेशान हो रही हैं। बेकार परेशान? Is that all you have to say to a mother जिसकी बेटी को किडनैप किया गया है और अभी वही मारने की धमकी दी गई है? How heartless can you get? पर इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ?
आपके खुद के तो बच्चे हैं नहीं, आप क्या जानो बेटी के गुम होने का दर्द, वो डर अगर बच्चा वापस घर नहीं आए तो उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। नहीं मम्मा नहीं। मेघन रिलैक्स, पापा होंगे। पापा तो घर पे थे ना मम्मा। पापा बाहर गए थे बेटा, आराम से सो जाओ। प्रतीक, आई नो तुम यहाँ क्यों आए हो, आई कैन एक्सप्लेन। देन प्लीज एक्सप्लेन दी। आपके घर के कॉम से त्रिशा को वो मैसेज गया था, प्लीज एक्सप्लेन दिस। वो मैसेज किसी और ने भेजा है प्रतीक, बच्चे हैं, दे यूज द कंप्यूटर, यू नो हाउ इट इज समृद्धा, प्लीज टेल हिम। प्रतीक, बच्चे कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, दे सर्व द नेट। और मेरी बेटी को थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजते हैं जिसको ना कोई सुपरवाइज करता है और ना जिसके बारे में कोई जानता है। प्रतीक, एक बार इनकी बात तो सुन लो। और वैसे भी एसीपी कबीर ने, आई डोंट केयर व्हाट एसीपी कबीर सेज, आई मीन ना मैं उस आदमी को ट्रस्ट करता हूँ ना उसकी जजमेंट को, इज दैट क्लियर? अपनी बहन को तो ट्रस्ट करते हो प्रतीक, बच्चों के पीछे आप वॉचमैन बनकर नहीं घूम सकते। बच्चे हैं, वो किसी ना किसी बहाने यहाँ वहाँ हो जाते हैं, कभी कुछ खाने वाने के लिए, कभी कुछ। जी आप भी जानते हैं जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो कितना एब्सर्ड साउंड कर रहा है। लेट मी मेक इट क्लियर दी, आपका मेरा रिश्ता एक तरफ, मेरी बेटी की जिंदगी एक तरफ। आई नीड टू नो वो मैसेज आपके यहाँ से किसने भेजा था, दैट्स इट। वो मैसेज मैंने भेजा था। क्या? अंकल, आंटी, त्रिशा और मेरे बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे और उसी वजह से गुस्से में मैंने उसको मैसेज किया, पर ट्रस्ट मी, आई डिडंट मीन इट अंकल, और आई नेवर थॉट कि इट वुड बिकम सच अ बिग डील। आई एम रियली सॉरी अंकल, एंड ट्रस्ट मी, आई ओनली सेंड द मैसेज। त्रिशा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैंने कुछ नहीं किया। आई डोंट बिलीव दैट, जस्ट डोंट बिलीव दैट। जब समझ नहीं आ रहा मैं किस पर ट्रस्ट करूं और किस पर ना करूं। मेघन ने भेजा है मॉम। जब आप मेघन से बात कर रहे थे मैंने आपकी बातें सुनी थी, मैंने ही चाहता था कि मेघन इन सब चीजों में ट्रैप हो, दैट्स व्हाई।
आप सो रहे थे? रात के 2:30 बजे पड़ोसी के बच्चों को नहला रहा था। पड़ोसी? ओ सॉरी सर, दरअसल बात ही कुछ इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझसे रहा नहीं गया। सर लावण्या के घर से लाए हुए कंप्यूटर के सीपीयू से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिला है, आपको फौरन देखना चाहिए। बॉबी, मेगन, haven't slept yet? तुमने प्रतीक अंकल को ये क्यों कहा कि वो मैसेज तुमने किया था? तुम जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा? पर तुम जानते हो ना, प्रतीक अंकल और अमृता आंटी तुम्हारे साथ। It's okay. Thanks, Bobby. Thanks for protecting me. I mean. मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया बहुत अनकूल था। त्रिशा मुझे इंस्टिगेट कर रही थी इसीलिए ये सब। गर्ल्स लुक एट दिस, शी रियली थिंक्स कि विकी उससे लिफ्ट देने वाला है। हाई होप्स हाँ। हाउ डेयर यू त्रिशा एंड हाउ कैन यू डू दिस? व्हाट हाउ कैन आई? होल कॉलेज नोज दैट यू हैव अ क्रश ऑन विकी। सॉरी गर्ल, पर विकी तो मुझे सारा टाइम चेस करता रहता है, सारा टाइम मुझे मैसेज करता रहता है, त्रिशा आई लाइक यू, प्लीज मीट मी, लेट्स गो फॉर डेट। बट मेघन, तू बोल तो तेरे लिए सैक्रिफाइस करती हूँ यार। प्लीज, आई मीन आई विल टेल हिम कि डेट पे तभी जाऊंगी अगर मेघन मेरे साथ होगी एंड देन आई लीव। लेकिन उसके बाद वो तेरे साथ डेट कंटिन्यू करेगा कि नहीं, दैट आई कांट प्रॉमिस। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे मुझे मेरे घर पे ऐसे बैठा कर स्टेयर करने हैं। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, व्हाट मोर डू यू वांट? लिसन प्लीज कट दिस क्रैप, आप इन्वेस्टिगेट करने आए हो सो गेट इट ओवर एंड डन विद एंड लीव। गॉड, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? ये कैसा सवाल है, ये तीतर क्या है? इस वक्त जो दिमाग में आया वो पूछ लिया, क्योंकि तुमने अब तक मेरे बाकी सारे सवालों का सही सही जवाब दिया नहीं। अरे व्हाट बाकी सवाल, मैं सब बोल चुका आपको। हाँ अब ये क्या है? ये क्लिप आपको कहां से मिली? Where do you get this from? Bobby. Bobby? उसको तो मैं उसके घर से जो कंप्यूटर कॉन्फिस्केट किया था उसमें से मिला। तो अब मिस्टर एंग्री यंग मैन,
सच बताना शुरू कर। I had started liking Trisha. She also liked me. हम एक साल से डेट कर रहे थे। उस रात विवान, मैं तुम्हें कैसे डेट कर सकती हूँ? We are cousins. ये कजिन वाली स्टोरी तू मुझे दे रही है? सब तो ठीक था और अब ऐसे? It's not right. I mean, we need to stop it. I can't carry on with you. और वैसे भी मैं किसी और को लाइक करती हूँ। मुझे लगा ये बॉयफ्रेंड वाली बुलक्रैप स्टोरी वो मुझे इरिटेट करने के लिए कुक कर रही है। What? Trisha! Trisha, come here! और फिर मैं पार्टी में वापस चला गया। उसके बाद मुझे त्रिशा नहीं दिखी। प्लीज सर, ट्रस्ट मी, मैं त्रिशा की मिसिंग या किडनैपिंग में इन्वॉल्व नहीं हूं। थैंक्स फॉर द ऑफर, बट मुझे और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मेरी अपनी सिक्योरिटी काफी है। थैंक्स एनीवेज, हैव अ गुड डे। होम मिनिस्टर का फोन था, वो पूछ रहा था कि और सिक्योरिटी। तुम दोनों को क्या हुआ है? भाई, इंस्पेक्टर कबीर आज वापस आया है। विवान को उसके रूम में इंटेरोगेट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, हमारे ही बेटे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है वो? उसे उसके गिटार क्लासेस तक नहीं जाने दे रहा। प्लीज मेरे फैमिली का हम दोनों के बारे में मत बताना। इस बात तो त्रिशा के मिसिंग का कोई कनेक्ट नहीं है। प्लीज, माय फोक्स विल किल मी। प्लीज आगे तुम मेरे फैमिली मेंबर्स को हरास करने के लिए? हाँ, मैं विवान से उसके फ्रेंड्स की लिस्ट मांगने आया था और कुछ भी नहीं। पूछे विवान से, है ना विवान? हाँ, या। एनीवे, आज मेरे ऑफिस में थोड़ी देर के लिए आपको आना होगा। I hope आप टाइम निकाल पाएंगे। क्यों? क्या इतनी वजह काफी नहीं है कि आपकी बेटी गायब हुई है? अगर आपको और कोई वजह चाहिए तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, या मैं आपको कॉल करके कोई नई वजह बता दूंगा। He said ना, इस स्टूपिड से बात के लिए सुबह सुबह आए थे। That's it. Thank God he believed me. सने बेबी, प्लीज खा लो, देखो जिद नहीं करते। गुड गर्ल, खा लो ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। प्लीज बेबी। नो। प्लीज सानिया। बेबी रुको रुको, बेटा सुनो प्लीज सानिया। क्या हुआ? नहीं खाना। अरे सानू, क्या हुआ बेटा? क्यों ब्रेकफास्ट नहीं खाना? नहीं खाना। अरे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। क्या हुआ बेटा? ब्रेकफास्ट तो करना पड़ेगा ना। नहीं खाना, पहले मुझे त्रिशा दी से बात करनी है। इतने दिन हो गए ना त्रिशा दी घर आई, ना फोन किया। बेटा वो जल्दी आ जाएगी। सब बोलते रहते हैं आ जाएगी, लेकिन आ ही नहीं रही है। मुझे बस त्रिशा दी से बात करनी है, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। त्रिशु बेटा। त्रिशु नहीं सानू। मैं आपको कह चुका हूँ, ये आवाज मैं नहीं पहचानता। ध्यान से सुनिए मिस्टर स्वाइका, आपके और आपके कंपनी के अगेंस्ट 467 केस दर्ज है, अलग अलग लोगों ने किए, कोई भी हो सकता है। रिवाइंड करो। लगता है
अब तुम तैयार हो अपनी बेटी की सही कीमत चुकाने के लिए? हाँ, दूंगा। जितना तुम्हें चाहिए दूंगा मैं, समझे तुम? प्लीज जस्ट गिव मी माय डॉटर बैक। तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी आज रात को, वही तुम्हारी बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री में। आ जाऊंगा। एक्सपोर्ट्स बैग में 5 करोड़ रुपए डालकर ले आना और उसे तुम्हारी बंद पड़ी फैक्ट्री के 5 नंबर प्लांट में छोड़ देना। मैं आऊंगा, ओके? ये रिवाइंड करो एक बार। हेलो। लगता है अब तुम तैयार हो अपनी बेटी की सही कीमत चुकाने के लिए। हाँ, दूंगा। जितना तुम्हें चाहिए दूंगा मैं, समझे तुम? तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी आज रात को। आ जाऊंगा। एक्सपोर्ट्स बैग में 5 करोड़ रुपए डालकर ले आना। एक बार और रिमाइंड करो। मैं ये आवाज जानता हूं।